बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है ये है कि जो स्टूडेंट इधर कनाडा में हैं स्टडी वीज़ा पर, वो अपने पेरेंट्स को कितने दिन के बाद बुला सकते हैं, ये एक कमेंट भी आया था और इसी टॉपिक पे मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ। तो पेरेंट्स को 6 मंथ के बाद बुला सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। हालांकि इसमें क्या है, थोड़ा सा कंडीशन रहता है कि उनका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, उनका टाई अप इंडिया में, और इधर तो ऑलरेडी टाई अप है ही उसका, तो यानी कि अच्छा प्रोफाइल उनका होना चाहिए। प्रोफाइल में क्या है, उसका या तो जॉब होना चाहिए या कोई बिजनेस होना चाहिए जिसमें उसका इनकम पर मंथ अराउंड 40,000 होना चाहिए। वैसे तो ये लोग बोलते हैं 25-30 तक होना चाहिए, लेकिन 40,000 तक तो होना ही चाहिए उसका। और अगर टैक्स भरता है बिजनेस का कुछ भी तो बेटर है, उसका 3 साल का टैक्स का रिटर्न फाइल होना चाहिए, 6 मंथ का उसका बैंक बैलेंस जो उसमें रहेगा बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अंदर एक बंदा आएगा तो 6 लाख और दो होगा तो 11 लाख, हस्बैंड वाइफ दोनों तो उसमें 11 लाख रही होना चाहिए उसमें। और बाकी जो भी फैमिली का डिटेल रहेगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, तो पूरा अगर हिंदी में उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें होना चाहिए। और स्टूडेंट को क्या करने का है, उसको भी डाउट रहता कि मेरे पेरेंट्स को मैं बुलाने का है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बता देना चाहता हूँ। उसके लिए उसका बैंक बैलेंस 2,000 उसमें होना चाहिए उसका बैंक स्टेटमेंट में, और 6 मंथ की उसकी स्टेटमेंट भी लगेगी बैंक स्टेटमेंट, और उसका कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा उसमें, और एक लेटर रहेगा कि मेरे पेरेंट्स को मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को यहाँ बुला रहा हूँ, वो सिंपल लेटर उसका साइन करके इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो उसका सॉल्व होगा, सॉल्व मतलब उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर मेरे पास उसका रिप्लाई नहीं है तो मैं किसी लायर से पूछ करके उसका रिप्लाई देगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बलवंत हरियाणा।